नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आपके बीच में एक बार। दोस्तों, मैं पीछे दो वीडियो लगातार मेमनों के बारे में डाला, यानी बकरी के बच्चों के बारे में डाला, इन लोग के बारे में जो कि आप देखें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ और भविष्य के लिए भी एक बात है कि जैसे पहली बात तो आप बढ़िया से जानते हैं, अच्छी तरीका है जानते हैं, जो भी बकरी पालन में हैं या फिर भविष्य में करने का जिनका योजना है, कहीं ना कहीं से दिल के किसी कोने में अगर उनका है कि मैं बकरी फार्मिंग करूंगा, कहीं से उनके दिमाग में चल रहा है, तो बकरी फार्म में एक बात आप कंप्लीट जान लें, जैसा कि आप जानते भी होंगे, लेकिन कि बकरी के मेमना यदि आप बचा पाते हैं, बकरी के बच्चे यदि बचा पाते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग बचा पाते हैं, बकरियां तो बहुत होती हैं लेकिन बाड़े में मेमने होते नहीं हैं, बचा ही पाते हैं बहुत कम लोग, और जो कोई बचा पाता है तो उस पर एक फप्ती कसते हैं कि कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन मैं बताऊंगा, रेगुलर वीडियो आपको लगातार दिखाऊंगा सीजन बाय सीजन कि किस तरीका से मैं बच्चों को मेहनत करता हूं, बच्चे के ऊपर तो बच्चे बचते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, इसके बाद इधर भी छोटे बच्चे हैं और कुछ अगला वीडियो में इसमें मैं ज़्यादा बच्चे आपको दिखाया था, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, इससे बड़े हो गए, कुछ बच्चे जो चारा दाना पकड़ लिए थे उनको मैंने दूसरा केज में ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद ये जो छोटे बच्चे हैं, सभी का वीडियो 4 से 5 दिन पहले आपके चैनल पे जा चुका है। ये बारबरी है, बिल्कुल दिखे है ना, बारबरी के बच्चे हैं। तो 4 दिन पहले भी मैं इनका वीडियो आप लोग को दिखाया हूँ, अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि बच्चे आप बचाते हैं तो गोट फार्मिंग में दुनिया का कोई भी आदमी आपको फेल नहीं कर सकता है। तो बकरी के बच्चे मर क्यों जा रहे हैं और आप बचा कैसे पाएंगे, ये बिल्कुल मैं रेगुलर आपको दिखाऊंगा और लगातार मैं वीडियो में बच्चे को आपको दिखाऊंगा और बच्चे का गिनती भी आप मिला लें, ताकि आप इस जब तक ये बड़ा नहीं हो जाए, ये बड़ा होने तक का वीडियो मैं आपको बना बना के दिखाऊंगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा लगातार, कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए जिससे बच्चे बचते हैं, और मैं क्या किया, और आप अगर इसे रखते हैं इत्तेफाक की नहीं भाई मुझे भी करना है, अगर आप सहमत हैं मेरी बातों से तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बकरी के बच्चे यदि आप ना बचाएंगे तो फार्मिंग में आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अभी तो बस आपका दिमाग में चल रहा है खिलाने का, प्रतिदिन का इतना खर्च, खिलाने का खर्च तो अपने उपलब्धता पर डिपेंड करता है दोस्त, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर कम खर्च में भी यदि हम खिलाते हैं और हमारे मेमने ही नहीं बच रहे हैं तो कम ज़्यादा का कोई इशू होता नहीं है। तो मेमने बचाएं, इसके लिए क्या करना है, जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी के सीज़न में आपको क्या करना है कि माँ का दूध बच्चे को, जो शुरुआत के बच्चे हैं, जो न्यू बोर्न बच्चे हैं, उन्हें कम से कम शुरुआत के 21 दिन 3 टाइम दूध पिलाने हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दूध पिला रहे हैं। जैसे ही बच्चे आपके 21 दिन के हो जाएं, उससे 21 दिन से ऊपर के होने लगेंगे, तो उन्हें आप 2 टाइम दूध पिलाना शुरू कर दें माँ का, और बीच में दाना मिश्रण वगैरह भी, जो भी हल्का, जैसे बेर का पत्ता बच्चों के लिए सुपाच होता है, बेर का पत्ता खिला सकते हैं, हल्का दाना मिश्रण मिला के दे सकते हैं, यानी कि दाना मिश्रण में मेरा कहने का मतलब, चाहें तो आप गेहूँ, जो गेहूँ का चोकर होता है, गेहूँ जो फ्लोर मिल में जो आटा बनता है वहाँ से गेहूँ का जो ऊपरी परत निकलता है उसे चोकर बोलते हैं, वो बच्चे को देके उनका आदत लगा सकते हैं, कई दिन बाद से थोड़ा थोड़ा बच्चा चाटेगा फिर धीरे धीरे सीख जाएगा, मेरा यही तरीका है। तो गर्मी में बच्चा का क्या होता है, मोर्टिलिटी होने का कारण होता है, देखिए गर्मी टेम्परेचर से तो बच्चे की मौत नहीं होगा, खाली अंदर गैस नहीं बनना चाहिए, अगर गैस नहीं बनता है तो गर्मी कितना भी तापमान में चला जाए बच्चे आपके नहीं मरेंगे। बच्चा जो छोटा मेमना है वो मरता है गला सूखने से, जैसे आपने दोपहर में सुबह दूध पिला दिया, फिर दोपहर पिलाएं, फिर आप शाम को पिलाना है, तो जो बीच में 4 घंटे का गैप है, अगर हाई लेवल बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर 3 टाइम दूध पिला रहे हैं तो ठीक है, कई बार आपको 2 बार दूध पिलाना पड़ता है, या 3 टाइम पिला रहे हैं तो भी बीच में आपको एक बार ये करना है, जब ज़्यादा मौसम गर्म हो, धूप बहुत तेज़ हो, तो बच्चों को आपको क्या करना है कि पानी पिलाना है, पानी पिलाना है। तो जो छोटे मेमने हैं उन्हें अगर कोई बड़ी बकरियों को तो आप किसी बर्तन में पानी दे देते हैं तो बकरियां पी लेती है, लेकिन छोटे मेमने जो अभी 8 दिन के हैं, 10 दिन के हैं, वो पानी नहीं पियेंगे। पानी जब मेमने कम से कम 15-20 दिन के होते हैं तो पानी पीना शुरू करते हैं, उससे पहले हल्का फल्का कोई कोई पी सकता है, लेकिन सभी मेमने पानी शुरुआत में उतना नहीं पियेंगे, रुचि नहीं लेते हैं। तो मेमने को पिलाने के लिए आपको ये करना है कि पानी तो पिलाना ही है, साथ में एक दवा आपको मिलाना है, ताकि जो बच्चा दूध पीता है तो उसका दूध भी आसानी से हजम हो जाए, पेट में कब्ज गैस भी ना बने, और बच्चे का जो गला है, गला जो सूख जाता है, क्योंकि मे की आवाज़ें करते रहते हैं लोग, तो इनका गला सूख जाता है, देखिए बच्चे का
इनका गला सूख जाता है, तो अगर हम पानी पिलाते हैं तो इनका गला फिर से गीला हो जाता है, जिससे बच्चे सर्वाइव करते हैं। तो पानी में आपको क्या करना है, ये मैं पानी लिया हूँ, ये साधारण पानी है, बिजलेरी नहीं है दोस्त, ये साधारण समरसेबुल का पानी है, यानी ताज़ा पानी है। और ये हमने बोतल लिया है, निप्पल इसमें लगा हुआ है, बोतल लिया जिससे बच्चे दूध पीते हैं, तो ये मैंने लिया है। तो करना ये है कि एक दवा है नक्स भूमिका, नक्स भूमिका होम्योपैथिक दवा है, नक्स भूमिका, ये मैं 200 पोटेंसी के लिया हूँ, और आप चाहें तो 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथ का दवा हर जगह, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो होम्योपैथिक दवा नक्स भूमिका 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी लेना है। और अगर 30 का पोटेंसी लिए हैं, पोटेंसी यानी पावर होम्योपैथी का एक तरीका है, तो 200 पोटेंसी है, तो मैं एक मेमना प्रति मेमना एक बूंद इसमें डालूंगा। 200 पोटेंसी है मेरे पास, इसलिए अगर 30 रहता तो मैं इसमें एक मेमने पर 2 या 3 बूंद डालता। तो पानी मैं लिया हूँ, इसमें मेरे पास अभी कम से कम इसमें 22 मेमने को मुझे पिलाने हैं। अभी जो इससे बड़े मेमने हैं जो स्वयं पी रहे हैं पानी, लेकिन छोटे मेमने अभी न्यू बॉर्न हैं जो 22 मेमने हैं, तो 22 मेमनों को मैं 22 बूंद इसमें ड्रॉप करूँगा इस पानी में। इस तरीका से मैं 22 बूंद को ड्रॉप करूँगा, 22 बूंद को इसमें मैं ड्रॉप करूँगा। तो कर दिया मैंने, 22 बूंद पानी को हमने ड्रॉप कर दिया है, 22 बूंद नक्स भूम का होम्योपैथिक दवा को इस पानी में हमने ड्रॉप किया। अब ये कोई साधारण पानी नहीं है दोस्त, इससे बच्चे को पेट से होने वाले पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम होना हो सकता है वो नहीं होगा, क्योंकि आप गौर से भी देख सकते हैं, इतना जो भी मेमने हैं, जो भी मेमने आप देख रहे हैं, इधर हैं, इधर भी मेमने जो आप देख रहे हैं, जो मेमने को देख रहे हैं, किसी भी मेमने को दस्त नहीं है, जबकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो दस्त करते हैं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है कि मेरे मेमने छोटे हैं जो पीला पीला बहुत ज़्यादा दस्त कर रहे हैं, माँ के दूध पीने की वजह से मेमने करते ही हैं। लेकिन अगर ये फार्मूला अपनाते हैं, पानी में नक्स भूमिका देके कर पिला देते हैं, तो पेट बिल्कुल क्लियर रहने की वजह से वो दस्त नहीं करेगा। एक तो दस्त का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेट में कोई विकार उत्पन्न होगा ही नहीं। दूसरा है कि मेमने का गला गीला हो जाएगा, और पानी पेट में जाने से उसको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि आपने नक्स भूमिका मिलाया है, बहुत तरह का काम करता है। इसके बारे में अपना डॉक्टर से आप राय ले लें, मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपना डॉक्टर से भी राय लेके ये काम कर सकते हैं। तो अब इसको पिलाना कितना है, देखिए मैं इसमें डाल दिया, पिलाना कितना है आपको ये रखना है, कम से कम 100 ml के लगभग, 100 ml कम से कम बच्चे को पिला दें, 100 ml 150 ml, कोई दिक्कत इसे होने वाले नहीं है, क्योंकि गर्मी का दिन है, जिस तरीका से पसीना निकल रहा है, देखिए पसीना का बूंद टपका ना, निकालिए अभी देखिए है ना, तो इस तरीका से इनका भी कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होता है, नमी लॉस होता है, तो एक तो इससे ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेमने भी कुछ खा नहीं रहे हैं, माँ के ही दूध पी रहे हैं। तो इस तरीका से बच्चे को 1x1 करके मैं सभी बच्चों को पिलाऊँगा। तो संभव तो नहीं है कि सबका मैं वीडियो आपको देखूँ, देखिए नहीं दिखलाइए, देखिए बच्चे पी रहे हैं, तो इसे मैं लगभग 100 ml पानी इस तरीका से पिला दूंगा। तो इस तरीका से सभी बच्चों को आप बारी बारी से पानी पिलाएं, और इससे बच्चे आपके सर्वाइव करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दस्त इसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा रेगुलर का प्रक्रिया है कि जब गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन में करना है, गर्मी के अलावा आपको जरूरत सर्दियों में जरूरत नहीं पड़ेगा, एक हद तक बरसात में भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये प्रक्रिया आपको अपनाने हैं। देखिए इसको मैंने 100 ml पिला दिया, और इस तरीका से देखिए ये हमने रखा है इसको, इस तरीका से 1x1 करके सभी मेमनों को मैं पिलाऊंगा। देखिए बच्चे पीते भी हैं, देखिए देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मेमनों को पिलाता हूँ नहीं पीते हैं, पिएंगे दोस्त ये दिल से, यदि दिल से आप चाहेंगे ना हर काम आपका होगा, मैंने इस पर कोई जादू नहीं किया है, ये पी रहा है, नज़दीक लाइए बिल्कुल कैमरा, देखिए पानी है, बिल्कुल सादा पानी है, और उसको भी बच्चा मज़े से पी रहा है, जबकि ये दूध नहीं है, ये दूध समझ के पी रहा है, क्योंकि हमने ये दवा भी डाला है, एक कारण ये भी है। दूसरा है कि हम शुरू से एक रूटीन में रहते हैं, तो बच्चे उस पर आदत पड़ जाता है उनको, पहला दिन 1-2 दिन नखरा करेगा बच्चा, उसके बाद पीना शुरू कर देगा। तो इस तरीका से मैं 1x1 सबको पिलाऊँगा। तो अगर मैं अपना बात कर लूँ, क्योंकि अगर मैं सबको पिलाते हुए वीडियो आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं तो मेरा तो ये काम प्रतिदिन का है, ये मेरा चलता रहेगा, बस इसी तरीका से इसको थोड़ा सा और पिलाना है, मैं बात करने के लिए रुक गया। तो एक बोतल में 3 मेमने को पिलाऊंगा। तो इस तरीका से कोई पानी का ये मात्रा का मतलब नहीं है कि ज़्यादा कम, ज़्यादा तो खुद ही नहीं पिएगा, लेकिन 100 ml कम से कम पिला दें एक मेमने को, 100 ml 50 ml साइज बाई देख कर।
तो पिलाने से मेमने आपके बिल्कुल सही रहेंगे, चमक रहेगा शरीर पर बने हुए, मेमने जिएंगे। उसके बाद जो ये मेमने बड़े हैं, ये कुछ बड़े हो गए हैं, तो इन्हें क्या है कि खाना मिलता है, अभी थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिए हैं। देखिए इसमें हमने सूखा चारा दे के इनको रखा है ना, लेकिन हरा सूखा चारा इनको दे के रखा है, इससे जो मेमने इसमें आप कम मेमने को देख पा रहे होंगे, तो दूसरा खाना में मेमना है, जो भी मैं आपको शूट करके इसका सीन आपको मैं इस वीडियो में डालूंगा, कि जो भी ये चलते रहता है, सर्किल है कि पहले उसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर उधर, और उसके बाद नीचे। लोगों को कहना है कि केज में रखते हैं, चिड़ियाघर है, बात चिड़ियाघर की बात नहीं है दोस्त, बस बचाना है, इसलिए बचाने के लिए हर फार्मूला जो संभव है वो मैं करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी तरीका से रख रहा हूँ, बच्चे बचा रहा हूँ। ठीक है, आप खुले में रखते हैं, फिर क्यों नहीं बचा पा रहे? तो छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन का डर है, उसे वो चीज़ें नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं, तो बिल्कुल जितना हो सके सुरक्षित रखें बच्चे को। अब ये हरा चारा है, जैसे देखिए ये मैंने ज्वार का चारा रखा है काटकर, ज्वार का चारा है, ये हरा चारा है, तो इन्हें मैं दूंगा, देखिए ये भी डरते हैं इस तरीका से। देखिए जो भी बच्चा धीरे 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 इसको देखिए खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो धीरे धीरे खाना सीख जाएगा। कोई भी जो बकरी के बच्चे हैं, आपको अचानक आप सोचेंगे कि हमने दे दिया वो खा ले, ऐसा नहीं है, वो 10 दिन 5 दिन करते 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 वो फिर खाना सीख जाता है। तो इसमें मैं दे के रख दिया हूँ, अब ये इसका अभी से लेके पूरे रात कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे रात जब इसका इच्छा करेगा, अभी तो डरा हुआ है, चूँकि हम इसके पास बोल रहे हैं तो डरा हुआ है, देखिए फिर भी खा रहा है, ऐसे कर रहा है कोशिश, तो ये खाएगा इस तरीका से। उधर भी मेमने हैं, उनको मैं दूंगा ये हरा चारा। हरा चारा का बात निकला तो मैं आपको समझा दूं कि बच्चे का तो आपको लगातार, जैसे मैंने आज नॉक्स भूम का दिया, पानी पिलाने के लिए मैंने आपको गर्मी में बताया, बहुत लोग करते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग को ध्यान नहीं रहता होगा कि मैं पानी भी छोटा मेमना को पिला सकता हूं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया साबित होगा। तो मेरा छोटा, जैसे देखिए बहुत बड़ा ज्ञान ही वीडियो से मिले वो ज़रूरी नहीं है, कौन सा ऐसा ज्ञान मिला जिससे आपका फार्मिंग सफल हो जाए वो मायने है। तो बहुत सारे फार्मिंग में घूम के वीडियो बनाया जाता है, ये 10 लाख कमा लिए, 20 लाख कमा लिए, कोई कुछ नहीं है भाई मेरे, बच्चा है तो आप 10 लाख का 10 करोड़ कमा सकते हैं, ये फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, किसानी है, किसान का अगर फसल बढ़िया है तो उसको पैसा की कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा भी आएगा और यहाँ सुकून भी मिलेगा कि मेरे बच्चे बच रहे हैं। तो बच्चे बचाने कैसे बचाता हूँ उसका रेगुलर वीडियो आपके पास जाता रहेगा, छोटी छोटी बातों को मैं आप बताऊँगा। अभी बच्चा मान के चलिए 8 दिन का लगभग हुआ है, तो वीडियो आपका चला गया, इससे पहले भी गया था, और बच्चे तो बाड़े में लगातार जन्म लेते ही रहते हैं, क्योंकि मेरे पास एक, मैं अपना इस तरीका से बकरियों को साध के रखा हूँ, यानी सुविधाजनक बना के रखा हूँ जितना मेरे से हो सका, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा नहीं किया था, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसमें कमाता गया उसमें इसको लगाता गया, क्योंकि मेरा एक जुनून है कि फार्मिंग तो मुझे करना है, क्योंकि मैं आधा मन से कभी किया ही नहीं कि चलो पहले हल्का फुल्का कर लेते हैं फिर चलेगा तो देखेंगे, नहीं, मैंने शुरू से ही प्लान किया था कि नहीं करना तो है, तो उसके अनुसार स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में शुरू से था और धीरे धीरे हम इसको ढालते चले गए। तो जैसा कि आप बच्चे को देख रहे हैं कि सब खुश हैं, इस तरीके से मैं इनको पिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि हरा चारा के जहां तक बात हुआ कि दोस्त अगर आपके एरिया में, अब यदि आपके एरिया में हरे चारे की उपलब्धता है, हरा चारा प्रचुर मात्रा में है, तो ही बकरी पालन करें। चलिए मैं हरा चारा आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मैं काट के लाया हूँ, देखिए बच्चे बाहर से देखने में एक लगता है सुकून मिलता है कि हम बच्चे बचा रहे हैं, मेरे फार्मिंग में बच्चे हैं, अच्छा लगता है। और ये जो शोर मच रहा है थोड़ा जी, हाँ जी, ये जो शोर है, ये शोर में ही प्यार छुपा हुआ है किसान के लिए, किसान का जब फसल लहलहाता है ना तो किसान को अच्छा लगता है, वही है। तो चलिए हरा चारा मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए ये हरा चारा मैंने काट के रखा है, ज्वार के चारे हैं, हरा चारा ज्वार के चारा है, और भी जो चाप कटर है उसके पास रखा हुआ है, मुझे लाना है ये हरा चारा है, और इसमें मैं कुछ सूखा चारा मिलाऊंगा। तो यदि आपके पास हरे चारे उपलब्ध हैं ज़्यादा मात्रा में हैं, तो बीच बीच में सिर्फ हरे चारे दें, बीच में दलहनी चारा इसमें मिला कर दें, तो आपका जो दाना मिश्रण में खर्च होने वाला जो चीज़ें हैं, दाना मिश्रण में जिसे बहुत सारे चीज़ें आप देते हैं, गेहूं देते हैं, मक्का देते हैं, उन सब चीज़ों में कटौती हो सकता है, या ना भी देंगे तो आपका चलेगा, मिनरल मिक्सर वगैरह का भी खर्च आपका बचेगा। तो हरा चारा ज़रूर बकरियों को खिलाएं, सीजन के अनुसार बिल्कुल हरा चारा बोएं। हरा चारा में एक काम करना है दोस्त आपको, हरा चारा में एक काम आपको करना है, कभी भी जो हरा चारा आप लाते हैं जिसे आज हम खेत से लाए हैं, तो डायरेक्ट काट के बकरियों को डायरेक्ट नहीं देना है। हरा चारा आज यदि खेत से काट के लाए हैं तो उसे हम कल देंगे,
कल देंगे और जो कल लाए हैं उसको परसों देंगे, एक दिन अल्टरनेट करके देना है। देखिए बकरियां सब उधर अपना मज़े से घूम रही है, यहां से वहां सब अपना है, इधर ब्लैक बंगाल है उधर बारबरी है, नस्ल से कोई भेदभाव भाव नहीं, जो जैसा हवा चलता है उस तरीका से मैं करता हूँ, मैं कोई लकीर का फकीर नहीं हूँ। किसान का मतलब ही है कि जिस तरीका से अगर हवा चलता है आपका उस तरीका से आपको काम करने चाहिए। तो देखिए उधर बारबरी हैं, उधर पिकुई सिरोही है, उधर बोर है और उधर छोटे बच्चे हैं, तो इस तरीका से हमने फार्मिंग को अपना बना के रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि फार्मिंग में जो खर्च की बात करते हैं दोस्त, खर्च डिपेंड करता है कि आप कितना हरा चारा उगा सकते हैं, आपके एरिया में कितना है, आपका खर्च वहाँ कटौती हो सकता है यदि आपके पास हरे चारे का उपलब्धता है, खेती है, या अपना अगर खेत नहीं है तो दूसरा से खेत लेके आप हरा चारा उगाते हैं। यदि हरा चारा उगाने का कोई भी संसाधन नहीं है तो आपके एरिया में सूखा चारा प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, वो भी दलहनी, ऐसा नहीं कि गेहूं का मिल गया और धान का मिल गया तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गेहूं के चारे में और धान के चारे में कुछ होता नहीं है, सिर्फ पेट आप भर सकते हैं और उसको जो शरीर के जो तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, उसके लिए फिर अलग से आपको दाना मिश्रण बना के देना पड़ेगा जिसका खर्च आपको बढ़ जाएगा। तो यदि आप हरा चारा आप अपने एरिया में उगा पाते हैं तो फार्मिंग मज़े से करें, और यदि हरा चारा का उपलब्धता नहीं है और सूखा चारा में दलहनी है तो भी आप कर सकते हैं, हरा चारा ना भी देंगे तो आपका चलेगा, थोड़ा सा दाना मिश्रण लगेगा लेकिन दलहनी चारा वो मेंटेन कर लेगा। लेकिन यदि आपके एरिया में हरा चारा भी ना हो, दलहनी चारा का भी प्रॉब्लम हो, तो ज़बरदस्ती बकरी पालन ना करें। बहुत लोग का होता है ना कि मैं कर लूँगा, आदमी चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता है, आदमी चाहेगा तो हो सकता है लेकिन हर वो काम नहीं हो सकता है जो आप सोच ही रहे हैं, क्योंकि होगा तभी जब वो साधन होगा। तो हरा चारा बिल्कुल उगाएं, किसान हैं किसान की तरह मेहनत करें, थोड़ा सा भी अपने काम में संकोच ना करें, आप जितना हो सके अपना काम पर स्वयं फोकस करें। ठीक है अगर आप संपन्न हैं आदमी रखते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, तो भी आपको अपना टाइम देना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं भिड़ेंगे तो आपका फार्मिंग चलने वाला नहीं है। तो हरा चारा का पूरा उपलब्धता होना चाहिए, हरा चारा बकरियों को मिलना चाहिए जिससे आपका फीड कॉस्ट कम आएगा, और जितना हो सके मेमनों को बचाने की कोशिश करें, मेमना ही बचेगा तो आपका फार्मिंग चलेगा। दोस्त मेरा बस यही कहना है लास्ट में कि मेमना बचाने के लिए सजग रहें, प्रयत्नशील रहें, तो मेमना अगर आप बचा पाते हैं तो ही फार्मिंग कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।